बिल्कुल चिर परिचित सभी की जुबान पर जिंदले गया वो दिल का जाने ये बुत बेजान रे धन्यवाद। अरे उस आधी का उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं और ये परम आदरणीय आर्यावर्त कीर्तन परिवार के संचालक महोदय हमारे परम आदरणीय सम्मानी बड़े भैया श्री धीरू वाजपेयी जी और ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के संचालक हमारे परम आदरणीय बड़े भैया श्री राकेश वर्मा जी लखनऊ, आप सभी सम्मानित हमारे बड़े भाइयों की तरफ से हमारे संजय मालवीय जी नाल पर संगत कर रहे हैं, उनको ढेर सारा आशीर्वाद सादर नम्र वंदन आशीर्वाद करना रणजीत राज करता है। भैया गीत को सुनिएगा, मैं आप सब लोगों के लिए आया हूँ, अगर कुछ सफल हो जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। का उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं आई थी एक रोज कयामत और किसी को याद नहीं। राजेश भाई आपसे कह रहा हूं, एक मेरा बस एक मेरा दिल टूटा ये सारा जहां रह गया है जिंद ले गया जिंद ले गया वो दिल का जानी ये खुद बेजान रह गया जिंद ले गया वो दिल का जानी कथानक मैं भी दे रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, सुनेगा आदिना बहन जी। जब भगवान श्री राम जी की अवधि पूरी हो गई इस धराधाम से, बड़े भैया दादा जब अवधि पूरी हो गई तब हनुमान जी जब श्री रामचंद्र जी जाने लगे तब हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा प्रभु मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। कहा हनुमान जी आप हमारे बगैर कहाँ हैं, मैं तो आपके रोम रोम में रहता हूं, मैं आपके हृदय में रहता हूं, तो आप मेरे बगैर कहां। तो कहा लेकिन प्रभु कुछ इच्छाएं मेरी अपूर्ण हैं अभी। बड़े दद्दा निवेदन कर रहा हूं, गीत को सुनिएगा तो मेरा गीत सफल होगा। कहा माताएं बहने बैठी हैं आप भी सुनिएगा। कहा प्रभु मेरी कुछ इच्छाएं अपूर्ण है। कहा हनुमान जी कहिए, तो हनुमान जी बता रहे हैं। कहा भगवान सब मिल गया ओ, 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 राकेश भैया हनुमान जी ने कहा प्रभु से सब मिल गया मुझे मेरे स्वामी सब मिल गया मुझे मेरे स्वामी ना कोई अरमान रह गया
लेकिन भगवान सब मिल गया मुझे मेरे स्वामी, ना कोई अरमान रह गया, पर तीन चीजों से वंचित, तीन चीजों से ही वंचित ये आपका हनुमान रह गया। लेकिन तीन इच्छाएं अभी भी प्रभु मेरी पूरी नहीं हुई हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, कहिए कपिवर कौन? कहा पहली बात सुनिएगा प्रभु, पहली बात हनुमान जी कह रहे हैं, कहा प्रभु रात और दिन हर पल हर क्षण व्यस्त रहा सेवकाई में। रात दिन प्रभु मैं आपकी सेवा में व्यस्त रहा। तो भगवान रात और दिन हर पल हर क्षण व्यस्त रहा सेवकाई में, मनिल मैल तन में परिवर्तन, जल छिप जाए जैसे काई में। आप समझते रहिएगा, कहा जी चाहे प्रभु, पहली बात जी चाहे मैं जी भर नहाऊं, प्रभु जी भर के नहा नहीं पाया, भगवान स्नान नहीं हुआ। जी चाहे मैं जी भर नहाऊं तो बाकी स्नान रह गया है। सब मिल गया मुझे मेरे स्वामी, ना कोई अरमान रह गया। सब मिल गया मुझे मेरे स्वामी, ना कोई अरमान रह गया। सब मिल गया। दूसरी बात समानी बड़े भैया, दूसरी बात सुनेगा दादा। कहा पहली बात मैं जी भर के सो नहीं पाया, दूसरी बात सुनेगा, दूसरी बात कहा प्रभु जब मैं लंका पहुंचा अशोक वाटिका में, कछु खायन कछु धरन गिरायन। कहा प्रभु जब मैं फल को तोड़ा, वृक्षों को तोड़ा, तो कुछ खाया कुछ धरती पर गिरा दिया। राक्षस अच्छा भोजन इत्मीनान से होता है, सब में डिस्टर्ब हो जाए लेकिन भोजन में ना हो। तो हनुमान जी कह रहे भगवान कछु खायन कछु धरन गिरायन, फल का मिला ना प्रतिफल है, क्षुधा मिटी ना मेरे उदर की, हुई चेष्टा सारी विफल है। तो भगवान अब इच्छा क्या है? जी भर के मैं भोजन खाऊं, जी भर के मैं भोजन खाऊं, अधूरा खान पान रह गया है। सब मिल गया मुझे मेरे स्वामी, ना कोई अरमान रह गया। सब मिल गया मुझे प्रभु जी भर के नहा नहीं पाया, दूसरी बात प्रभु जी भर के खा नहीं पाया, तीसरी बात सुनिएगा। कहा भगवान नींद से आँखियाँ बोझिल मेरी, मन चाहे प्रभु जी भर सोना, मिटे थकावट मिटे थकावट सारे बदन की। अब भगवान नींद भी टूटे ना बरसोना,
ऐसा सो कि प्रभु नींद बरसों तक ना टूटे। तो भगवान कर दीजिए दूर समीक्षा वर्ती जा सयनान रह गया है, सब मिल गया है, सब मिल गया मुझे मेरे स्वामी ना कोई यार मान रह गया, सब मिल गया मुझे सबसे बोरी हो रही है। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद परमादरणीय हमारे सम्मानी बड़े भैया श्री राहुल चौधरी जी, सम्मानी बड़े भैया शिवदीन खेड़ा से पधारे हैं, 101 पत्र मुद्राएं आशीर्वाद की कामना रणजीत राज बड़े भैया से करता है सादर प्रणाम। और ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं और सुंदर सा पुष्पहार हमारे परम मित्र जो सुंदर से साउंड व्यवस्था ध्वनि आप सुन रहे हैं साहू साउंड सर्विस लालगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश, हमारे राजेश भैया आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं सुंदर सा पुष्पहार। वाकई में ये मैं आपके मुख पे नहीं, सम्मानिया बहन जी भी ने कहा आपके साउंड का कोई जोड़ नहीं, एक बार जोरदार राजेश भैया के लिए ताली होनी चाहिए। और ये बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद मेरे लिए जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं इस कीर्तन के क्षेत्र में, ना तो वो कीर्तन कलाकार है और ना ही मैं समझता हूँ कीर्तन से कोई मतलब रहना चाहिए, लेकिन चाहे हम हो या फिर कोई भी कलाकार हो, परम आदरणीय सम्मानी बड़े भैया हमारे श्री बेनू वाजपेयी जी कालू खेड़ा आपकी तरफ से सभी कलाकारों को 101 पत्र मुद्राएं और हमें भी एक सुंदर सा पुष्पहार, एक नहीं दो पुष्पहार था और 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर से स्पर्श कर रहा हूं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि मैं तो प्रयागराज से आया हूँ आप सब लोगों के भरोसे, आपका आशीर्वाद ही लेकर के जाऊंगा जो जीवन भर याद रखता है व्यक्ति कि जहां मैं गया था वहां मुझे क्या मिला, कैसा व्यवहार कैसा स्वभाव मिला। तो एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि अभी संख्या नहीं कम हुई है, जोरदार तालियां होनी चाहिए, सादर प्रणाम। और ये श्याम लाल यादव जी नया खेड़ा से 51 पत्र मुद्राएं आदरणीय बड़े भैया को हृदय से नमन वंदन है, सादर प्रणाम। रुको रुको बिटिया रुको, तुम रे यहाँ हो, दिनेश कुमार नया खेड़ा जलेबी वाले आपकी भी तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं हैं। और सुनो ये बिटिया है आई थी तुम्हारे यहाँ, ऐसा होता है होना भी चाहिए। ये हमारे बड़े भैया गुप्त दान 51 पत्र मुद्राएं हैं लेकिन ये गुप्त हो नहीं पाएगा क्योंकि आप आपको सब देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया को आपका भाव है। चूंकि जो तीसरी पंक्ति थी पहली चीज मेरे गीत में हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं स्नान नहीं कर पाया जी भर के, दूसरी बात मैं जी भर के प्रभु भोजन नहीं ग्रहण कर पाया और तीसरी बात प्रभु मैं जी भर के सो नहीं पाया। तो प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान जी ये तीनों चीजें आपको आपकी पूरी हुई और आप सुनिएगा। बोझिल मेरी मन चाहे जी भर के सोना, प्रभु मिटे थकावट मेरे तन की नींद भी टूटे ना बरसोना, प्रभु
कर दीजय दूर समीक्षा वर्ती जा सयनान रह गया है। समय कम है, अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। आवाज बड़े भैया अंतिम टुकड़ा सुनिएगा आप सभी से निवेदन है। अब ये तीनों चीजें पूरी कहां हो रही है, चूंकि मैं सवाल नहीं छोड़ रहा हूं, मैं जी गीत को बिल्कुल ओपन कर दे रहा हूं। अवध में मोदक खाके कपिवल आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हनुमान जी को अयोध्या में लड्डू की चोरी का दोष भी लगा था। तो हनुमान जी महाराज अवध में मोदक खाके कपिवर अपनी भूख को मेटे, चुदा शांत हुई अवध के अयोध्या के मोदक लड्डू से। दूसरी बात और हनुमत धारा में नहा के, हनुमत धारा चित्रकूट जितने भी लोग गए हो हनुमत धारा में आज भी जल गिर रहा है। हनुमत धारा में नहा के राकेश भैया प्रयागराज में बंधवा पे लेटे, तो सागर कलयुग में उजागर, सागर कलयुग में उजागर ये देखता जहान रह गया है। सब मिल गया है, सब मिल गया मुझे मेरे स्वामी, ना कोई हाँ अरमान रह गया। तीन चीजों से वंचित ये आपका हनुमान रह गया। सब मिल गया हनुमान प्रेम से सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की। और ये वो दिल का जानी ये बुद्ध बेजान रह गया। जान रह गया, जिंद ले गया।
तो जिंद ले गया। एक बार हमारे साहू जी के बेहतरीन साउंड सर्विस के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि हर कार्यक्रम जब अच्छा साउंड होता है तब सजता है। और सत्य मानिए इस समय हम लोग भी घर में काफी सुस्ता ही रहे हैं, सर्दियों में कार्यक्रम कम होते हैं बीनू भैया, तो आवाजें भी रेगुलर जो काम होते रहते हैं तो एक फ्लो बना रहता है, लेकिन जब घर से आराम करके आओ बढ़िया ठंडा वंडा पानी सब पी पा के तो इतनी आवाजें काम नहीं करती। लेकिन ये हमारे साहू जी की कृपा है जो बढ़िया दोनों तरफ गाना गवा रहे हैं, तो हमारे साहू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, तो जिंद ले गया, जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये पुत बेजान रह गया। रणजीत भैया, परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता, सबको सब कुछ नहीं देता, हमको गाना बजाना सब दिया कहीं ना कहीं, लेकिन शायद हारमोनियम बजाना रह गया। थोड़ा बहुत अपने काम भर का तो मैं बजा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ ही हूँ कोई स्वर न दबा पाऊँ, अपने भर का तो बजा लेती हूँ, लेकिन अगर कहीं कभी कभी मैं विचार करती हूँ कहीं आप लोग जैसा बाजा बजा लेती तो फिर बहुत बढ़िया गा लेते। तो सबको भगवान सब कुछ नहीं देता, लेकिन जो जिसको जो दे देता है उसमें उसको सुकून करना चाहिए, उसमें उसको प्रसन्न रहना चाहिए। और परमात्मा ने आप लोगों का तमाम सारा प्यार दुलार दिया है, जनता सुनती है, श्रोता बुलाते हैं, यही काफी है, वरना हम लोग किसी काम के नहीं है, कुछ भी नहीं है। आइए, गीत बड़ा अच्छा आया है। हनुमान जी कह रहे हैं कि तीन काम रह गए भगवान, एक मैं नहा नहीं पाया, एक मैं खा नहीं पाया, एक मैं सो नहीं पाया। ऐसा लगा हनुमान जी कहीं बैठे सब हिस्ट्री बना रहे थे, लेखा जोखा कि हम कब खा पाए कब नहीं खा पाए। लेकिन हमको मालूम है कल कोई बुलोरो से जाएगा। हालांकि आपने कहीं पढ़ा होगा लेकिन हनुमान जी तो हमेशा राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे हनुमान जो हनुमान राम के काज के लिए ही धरती पर आए हैं, वो कभी ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं यहाँ नहा नहीं पाया, मैं यहाँ खा नहीं पाया, मैं सो नहीं पाया। लेकिन खैर, आपका गीत है, आपका सवाल है, सर आंखों पर है, कहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन जवाब सुनिए, सुनिए आखिर जवाब क्या आया, जवाब सुनिए। जब राम जी है धाए, आपका गीत कह रहा है कि हनुमान रह गया, मेरा स्नान रह गया, मेरा जलपान रह गया, तो आखिर फिर रह क्या गया, वो सब तो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। जैसे आप बता रहे हैं प्रयाग में लेट गए, वहाँ बंधे खड़े हैं, वहाँ खा रहे हैं, वहाँ सो रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं पूरा हो गया, लेकिन आज तक रह क्या गया। अब राम जी क्या विचार कर रहे हैं कि जब राम जी धाए, जब राम जी है धाए, तो कभी अपनाए छोड़े प्रभु मुझको जाए, छोड़े प्रभु मुझको जाए, तो वचन ये सुनाए, वचन ये सुनाए, वचन ये सुनाए। भगवान श्री राम अपने सारे कार्य पूर्ण करके जब जाने लगे, आप सब जानते हैं
भगवान श्री राम सरयू में समाधि लेने जाने लगे तो अब क्या रह गया? भगवान ने कहा, हनुमान कह रहे हैं कि हे प्रभु, यूं अकेला मुझे त्याग जाते तो तब ये परिणाम रह गया। और रह क्या गया भैया? अच्छा लगे तो तालियां रखिएगा, पहले सुन लीजिए। यूं अकेला, आप जानते हैं कि राम जी भले ही चले गए हो लेकिन हनुमान जी आज भी हैं, और जहां जहां दुनिया में राम कथा होती है वहां हनुमान जी सबसे पहले जाते हैं और सबसे आखिरी में विदा होते हैं। तो पंक्ति कह रही है क्या? के यूं अकेला मुझे त्याग जाते तब ये परिणाम रह गया। तो प्रभु चले गए, रह क्या गया? के प्रभु चले गए इस धरती से, के बस अवध धाम रह गए। और जब तक कलयुग में सृष्टि रहेगी तब तक अवध धाम था, अवध धाम है और अवध धाम रहेगा। एक पंक्ति और सुनिए, के ध्यान जो आया तो प्रभु को है धाया, कैसे मुझको दर्श मिले। मुझको दर्श मिले, तन को तपाया तो समझ में आया कि जीवन भी आदर्श मिले। भैया रंजीत राज जी एक पंक्ति सुनिएगा कि आखिर और क्या रह गया हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतवर्ष में, और केवल हनुमान के पास ही नहीं हम लोगों के पास भी। राम भले ही चले गए लेकिन लेकिन के हनुमान हनुमान रहे इस जग में, के हनुमान रहे इस जग में और मुख में राम राम रह गया। तो प्रभु चले गए, के प्रभु चले गए इस धरती से, के बस अवध धाम रह गया। अंतिम पंक्ति सुनिए, और आपके गीत में भी तीन बातें हैं, मेरे गीत में भी तीन बातें हैं। देखिए, अवध धाम रह गया, मुख में राम राम रह गया, और तीसरा और क्या रह गया? क्या? कलयुग में सबसे खास हुए। समिति के लोग सुने, कौन सबसे खास हुए? के राम कृपा जो के तुलसी ने पाई तो तब तो वो तुलसीदास हुए। पर रहे उनके मुख में राम राम रह गया, हम सबके मुख में भी राम राम रह गया, जीते राम मरते राम 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 रह गया। लेकिन और क्या रह गया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान
भगवान श्री राम की आराधना की, उनके चरित्र को लिखा, तो भगवान ने कहा इनके लिए क्या रह गया कि श्री राम के श्री राम चरित लिखवाना, के श्री राम चरित लिखवाना, ये सबसे प्रमुख काम रह गया। तो प्रभु चले गए कि प्रभु चले गए भले इस धरणी से, बस अवध धाम रह गया। अकेला मुझे त्याग जाते तो क्या ये परिणाम रह गया। तो प्रभु चले गए इस धरणी से जब, तो मुख में राम नाम रह गए। के प्रभु चले गए बोलिए बालाजी सरकार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए, बोलिए बड़े बाबा की बात, जिनके दरबार में बैठे हैं और ऐसे ना जाने कितने धाम धरती